हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। ऑफ ए डायलेक्ट्रिक मीडियम, जिसको कि हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, जैसा कि आपको पता है कि जो ई बाय एच होता है, इसके यूनिट्स ओम्स के बराबर होती हैं, बिकॉज इट इज इक्वलेंट्स टू वी बाय आई। ओके, नाउ ऑल्सो वी नो दैट, हमें पिछले लेक्चर से पता है कि जो आपके पास ई एक्स एस जेड है, वो होता है आपके पास ई नॉट ई रेज टू पावर माइनस गामा जेड प्लस ई नॉट ई रेज टू पावर गामा जेड। एंड वी नो ऑल्सो नो दैट दिस इज द पार्ट which is traveling towards positive z direction, and this is a part of E which is traveling towards minus z direction. Okay. Similarly, अगर हम इस इक्वेशन से h निकालना चाहें तो h of y s अगर हमें निकालना है तो वो देखना है कि वो क्या चीज होता है। इन दिस केस, अब आपके पास, आपको पता है कि जो डेल क्रॉस एच स्टार्टिंग फ्रॉम योर मैक्सवेल्स इक्वेशन, डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू आपके पास माइनस जे ओमेगा म्यू एच ऑफ एच होता है। ओके, सो एज्यूम दैट वी हैव ऑलरेडी एज्यूम्ड दैट जो आपके पास ई एक्स एस जेड है, इट इज ए फंक्शन ऑफ जेड एंड कंटेन्स ओनली एक्स कॉम्पोनेंट। सो वेन वी फाइंड आउट डेल क्रॉस ई फ्रॉम दिस पार्ट, then we will left behind only the z part and this will be e x of s z. Now considering only the part of wave which is traveling in positive z direction, so we will get this equals to d by dz of e naught e raised to power minus gamma z. This will give you minus gamma times e naught e raised to power minus gamma z. In this part, this is actually J omega mu H of YS. So when we find out H of YS from this equation, तो आपके पास H of YS बचता है, that is here minus sign is there. यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा इस जगह पे, तो आपके पास आएगा गामा ई नॉट ई रेज टू पावर माइनस गामा जेड डिवाइडेड बाय जे ओमेगा म्यू। नाउ दिस पार्ट, अगर हम इस पार्ट को रिप्लेस करते हैं एच नॉट से,
then it will be equal to h naught e raised to power minus gamma z. Now the intrinsic impedance eta is actually equal to e naught divided by h naught, where e naught we know that e naught is e naught in this equation, and अब h naught की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा j ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाय गामा, बट गामा आपको पता है वो होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, दैट इज j ओमेगा म्यू इनटू सिग्मा प्लस j ओमेगा एप्सिलॉन. ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन यू विल गेट eta इज इक्वल्स टू अंडर रूट j ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा प्लस j ओमेगा एप्सिलॉन एंड इट्स ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी. That can be represented like in a magnitude and angle form, that is theta n. Now, before proceeding further, because it is a under root of a complex number, so we will look at some basics first. कि अब इसको कैसे solve करना है. तो in this case आपको पता होना चाहिए इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन इनका जो मल्टीप्लीकेशन, इनको जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वो r1 इंटू r2, जो कि आपका मैग्नीट्यूड है इंडिविजुअल r z1 और z2 का, इंटू या फिर एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. z1 डिवाइडेड बाय अगर z2 है तो आपके पास r1 डिवाइडेड बाय r2 हो जाएगा और एंगल आपके पास थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा, अगर थीटा 1 है आपका एंगल कॉम्प्लेक्स z1 का, वेयर z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और थीटा 2 है आपके पास एंगल z2 का. तो एक और इसमें प्रॉपर्टी आती है, दैट इज z की पावर 1 बाय n या z की पावर n. तो आपके पास ये प्रॉपर्टी बनती है, तो इसमें आपका जो इम्पीडेंस, इसमें आपको पास जो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो वो हो सकता है 1 बाय आर रेस्ट पर 1 बाय एन इंटू एंगल ऑफ एन टाइम्स थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल फॉर इंडिविजुअल जेड टर्म. सो यूजिंग दिस कंसेप्ट we will solve it and we can write its magnitude part as that is magnitude of eta is nothing but under root mu by epsilon divided by 1 plus sigma by omega epsilon ka square raised to power 1 by 4, and angle is denoted by that is 10 2 theta n, where theta n is the phase difference between E and H, is equals to tangent inverse sigma by omega epsilon. Okay, therefore जब हम बात करते हैं E की, तो E आपको पता है आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं E is equals to E naught, where E is actually is a function of Z and T. Okay, तो E Z of T is equals to E naught E raised to power minus alpha Z cos of omega T minus beta Z A X. This implies that h of z t जो आप रिप्रेजेंट करते हैं h नॉट से, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि आप h नॉट को रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ e नॉट के टर्म्स में. तो ये आपके पास आ जाएगा e नॉट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ eta इंटू e रेज टू पावर अल्फा z
कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस थीटा एन ए वाई। अब ये एंगल माइनस में क्यों आया है, जब आप इसको एंगल को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो, क्यों आपको मैंने पहले ही बताया था ये वाला कंसेप्ट इसमें यूज होगा, ये वाला। ओके तो आप इस कंसेप्ट से आप इन दोनों इक्वेशंस को लिख सकते हैं। नाउ वन मोर पॉइंट आई वांट टू टेल यू दैट दैट अल्फा हियर इज अटेन्यूएशन कांस्टेंट। And is measured in Napier per meter or dB per meter, where one Napier is equal to 20 log to the base 10 E is equals to 8.686 dB. Please be remember that if alpha is given in dB, then it must be first converted to Napier per meter before using it in your questions. When you are solving some questions, numericals, then please we convert a alpha if provided in dB per meter to Napier per meter. Thank you for watching this video.